हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन सैनी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। आज हम एक इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट में हम देखेंगे थियोडोलाइट होता क्या है और कहाँ पे मैं उसको यूज़ करता हूँ और उसके पार्ट्स क्या हैं। तो थियोडोलाइट की मैं बात करूँ, थियोडोलाइट को मैं यूज़ करता हूँ एंगल मेज़र करने के लिए। तो इससे मैं बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेज़र कर सकता हूँ। तो मेरे पास होती है एक कंपास, कंपास से मैं ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र कर सकता हूँ, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन जो थियोडोलाइट है, इससे मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों एंगल मेज़र कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई दो लाइंस हैं, उन दो सर्वे लाइंस के बीच का एंगल मुझे निकालना है, तो वो भी मैं थियोडोलाइट से निकाल सकता हूँ। तो अब मैं बात करूँगा इसके पार्ट्स की। तो ये मेरे पास जैसे है इसके, इसको बोलता हूँ मैं फुट स्क्रू। ये मेरे पास तीन स्क्रू हैं, आप देख रहे होंगे, तो इनको बोलता हूँ मैं फुट स्क्रू। इनका यूज़ करता हूँ मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को लेवल करने के लिए, उसकी लेवलिंग के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों प्लेट्स को बोलता हूँ मैं ट्राई ब्राच प्लेट। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के इस पूरे पोर्शन को मैं बोलता हूँ लेवलिंग हेड, लेवलिंग हेड। तो थोड़ा ऊपर आते हैं, तो इसके बाद है मेरे पास अपर क्लैंप एंड लोअर क्लैंप स्क्रू। तो इनको मैं, ये है मेरे पास अपर क्लैंप स्क्रू और ये है मेरे पास लोअर क्लैंप स्क्रू। इनको यूज़ करता हूँ मैं अपने इंस्ट्रूमेंट की मूवमेंट के लिए। जैसे मैं अपर क्लैंप को अगर टाइट कर दूँ और लोअर क्लैंप को लूज़ कर दूँ, तो मेरा पूरे का पूरा इंस्ट्रूमेंट मूव करेगा। आप देख रहे होंगे, यहाँ से लेके ये पूरा मूव कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं अपर को लूज़ कर दूँ और लोअर क्लैंप को टाइट कर दूँ, तो अब मेरा सिर्फ ऊपर का मूव करेगा। अब आप देख रहे होंगे, अब ये नीचे वाला मूव नहीं कर रहा, ये सिर्फ ऊपर वाला मूव कर रहा है। ये है मेरे क्लैंप स्क्रू। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा टेंजेंट स्क्रू। मेरे पास दो टेंजेंट स्क्रू हैं, एक लोअर टेंजेंट स्क्रू, एक है अपर टेंजेंट स्क्रू। एक ये है मेरा लोअर टेंजेंट स्क्रू, ये है मेरा अपर टेंजेंट स्क्रू, जैसे कि आप देख रहे हो। इसको बोलता हूँ मैं अपर टेंजेंट स्क्रू और यह है मेरा लोअर टेंजेंट स्क्रू। तो इसको यूज़ करता हूँ मैं अपने इंस्ट्रूमेंट की मूवमेंट के लिए। जब मैं कोई रीडिंग लेता हूँ तो मुझे उसकी थोड़ी बहुत मूवमेंट की ज़रूरत होती है अपने इंस्ट्रूमेंट के लिए, तब मैं इनको यूज़ करता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट बात है, इनको यूज़ करने से पहले मुझे अपर क्लैंप को और लोअर क्लैंप को पूरा टाइट करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं इनको यूज़ करता हूँ। इसको जब मैं जैसे जैसे घुमा रहा हूँ, देखो आप थोड़ा इंस्ट्रूमेंट मूव कर रहा है, तो हल्की हल्की मूवमेंट होती है इन टेंजेंट स्क्रू से। तो उसके बाद मैं बात करूं, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल सर्कल। इसको बोलता हूं मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल। इसके ऊपर दो प्लेट्स लगी होती हैं, एक अपर प्लेट एक लोअर प्लेट। अपर प्लेट के ऊपर क्या होता है, अपर प्लेट के ऊपर वर्नियर स्केल लगा होता है और लोअर प्लेट के ऊपर मेन स्केल लगा होता है, जिसमें से मैं रीडिंग लेता हूं। तो ये मेरा लेंसेज लगे होते हैं रीडिंग नोट करने के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो वो है मेरा हॉरिजॉन्टल बबल ट्यूब। ये है मेरा बबल ट्यूब। अगर मुझे कोई भी हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र करना है, तो उससे पहले मैं इस बबल को सेंटर में लेके आऊँगा, तब फिर उसके बाद मैं उसको यूज़ करूँगा एंगल मेज़र करने के लिए। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बबल ट्यूब। इसके बाद मैं आता हूँ वर्टिकल सर्कल पे। ये है मेरा वर्टिकल सर्कल। ये आप जो सर्कल देख रहे हो, इसको बोलता हूँ मैं वर्टिकल सर्कल। इसको तो इसके अंदर भी दो स्केल लगे होते हैं, एक वर्नियर स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है, जिनसे कि मैं वर्टिकल एंगल मेज़र करता हूँ। तो ये इसके ऊपर ही मेरे लेंस लगे होते हैं रीडिंग नोट करने के लिए। उसके बाद ये हमारा, इसको बोलते हैं हम ए फ्रेम। ये ए शेप में है जैसे, इसको बोलते हैं ए फ्रेम, जिसके ऊपर ये वर्टिकल सर्कल लगा होता है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ, जैसे मेरे पास है क्लैंप स्क्रू, वर्टिकल क्लैंप स्क्रू। इसको बोलता हूँ मैं वर्टिकल क्लैंप स्क्रू। जब मैं इसको टाइट कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको लूज़ कर दिया, तो ये मेरा जो टेलीस्कोप है मूव करेगा। जब मैं इसको पूरा टाइट कर देता हूँ, तो मेरा ये टेलीस्कोप मूव नहीं कर रहा अब, तो इसको बोलता हूँ मैं वर्टिकल क्लैंप स्क्रू। इसके बाद मेरे पास है वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू। इसको बोलता हूँ मैं वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू। इससे क्या होता है कि जो मेरा टेलीस्कोप है वो हल्का हल्का मूव करता है। जब मैं रीडिंग लेता हूँ, कोई भी वर्टिकल एंगल लेता हूँ, तो उसमें मुझे हल्की हल्की मूवमेंट की ज़रूरत है टेलीस्कोप की, जिसके लिए मैं वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू को यूज़ करता हूँ। उसके बाद जो मेरा आता है नेक्स्ट है मेरा टेलीस्कोप। ये है मेरा टेलीस्कोप। इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसको बोलता हूँ मैं आईपीस और ये है मेरा ऑब्जेक्ट पीस। तो आईपीस जिसमें से मैं किसी ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करता हूँ। इसके ऊपर एक स्क्रू ये लगा होता है, आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं फोकसिंग स्क्रू।
ये इसको यूज़ करता हूँ मैं अपने टेलीस्कोप को फोकस करने के लिए। इसके अंदर एक क्रॉस हेयर दिखता है मुझे जब मैं इसमें देखता हूँ, तो उसको फोकस करने के लिए मैं इस फोकस स्क्रू को यूज़ करता हूँ। उसके बाद मेरे पास आता है गन पॉइंट्स। ये मेरे हैं गन पॉइंट्स, एक ये है और एक ये है। इन गन पॉइंट्स को मैं यूज़ करता हूँ जब मुझे किसी सामने वाले ऑब्जेक्ट को का एंगल मेज़र करना है, तो मैं इन गन पॉइंट्स को पहले उस ऑब्जेक्ट के स्ट्रेट लेके आऊँगा ऐसे, उसके बाद फिर मैं टेलीस्कोप में से उसको देखूँगा। तो ऐसे मैं गन पॉइंट्स को यूज़ करता हूँ। उसके बाद मेरे पास होता है एक वर्टिकल बबल। ये मेरे पास वर्टिकल बबल ट्यूब होती है, जिसको कि मैं वर्टिकल एंगल मेज़र करने से पहले इसको मैं बबल को सेंटर में लेके आता हूँ, जिससे कि मेरा जो हॉरिजॉन जो मेरा वर्टिकल एंगल है वो एक्यूरेट आता है। ये है मेरी वर्टिकल बबल ट्यूब। इसके ऊपर ये एक मिरर लगा होता है जिसमें से मैं इसको देख सकता हूँ। उसके बाद मेरा एक और मेन पॉइंट होता है इसके अंदर, इसको ये इसको यूज़ करता हूँ मैं सेंटरिंग करने के लिए। इसके अंदर एक प्रिज्म लगा होता है जो कि 45 डिग्री एंगल पे लगा होता है प्रिज्म। जब मैं इसमें से देखता हूँ तो मुझे ये वाला नीचे का ग्राउंड का व्यू दिखता है। इसमें मुझे एक क्रॉस हेयर दिखाई देता है जो कि मुझे अपने इंस्ट्रूमेंट का सेंटर ग्राउंड पे दिखाई देता है, जिससे कि मैं सेंटरिंग करने में मुझे आसानी हो जाती है। मैं इसकी हेल्प से अपना इंस्ट्रूमेंट का सेंटर पॉइंट नीचे मार्क कर सकता हूँ। तो ये थे मेरे इंस्ट्रूमेंट के कुछ पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी वर्किंग के बारे में देखूंगा। आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें, उसमें हम देखेंगे कि ट्रांजिट क्या होता है, स्विंग क्या होता है, फेस लेफ्ट फेस राइट क्या होता है जब हम रीडिंग लेते हैं, और भी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।